ये सारे मुगलों के टाइम के टूटे हुए पड़े हैं सारे पत्थर। अगर यार भारत में आक्रांता ना आते तो भारत का इतिहास ही कुछ अलग होता है यार। देखो यार प्रकृति के नज़ारे, यार क्या नज़ारे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं बढ़िया हूँ, सकता हूँ आप लोग ब्लॉग बढ़िया होंगे। कल यहीं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एक माता जी का मंदिर है, बाण माता जी का मंदिर, उसी की एक धर्मशाला है, तो कल वहीं स्टे किया गया था। ये रही धर्मशाला, और अभी नहा लिया है, अब चलते हैं मैया के दर्शन करते हैं और फिर निकलेंगे कोटा के लिए। कोटा से लगभग 150 किलोमीटर पीछे हूँ। आज क्या हुआ, 11 बजे निकला था आज 11:30 पे, तो अभी केवल 26 किलोमीटर ही निकल पाया हूँ। तो बस चलते जा रहा हूँ सुंदर से नज़ारे देखते हुए रोड के। ये देखिए सामने कुछ भाई लोग चल रहे हैं अपने साथ। कहाँ जा रहे हो भाई लोग आप? टोल प्लाजा, टोल प्लाजा पर। अच्छा, वहीं ड्यूटी है आप? तो बस साइड के सुंदर सुंदर नज़ारों को, पहाड़ों को देखते हुए चलता जा रहा हूँ कोटा के लिए। आज तो कोटा नहीं पहुँचेंगे, कल कोटा पहुँचेंगे, आज देखते हैं कास्ट रहती है अपनी। आज का जो मौसम है ना, बड़ा ही सुहावना है, बादल हैं और रास्ता भी एकदम सुंदर, नज़ारे हैं दोनों साइड, पहाड़ हैं और हरियाली है। तो आज तो चलाने में सच में आनंद आ रहा है यार। आज तो जल्दी निकलना चाहिए था, गलती होगी 12 बजे निकला नहीं। आज कोटा लगभग 20-25 किलोमीटर रह जाता है अगर आज जल्दी निकलते तो। यार चलो कोई नहीं, अभी कोटा लगभग यहाँ से 110 के लगभग होगा अभी, और टाइम भी हो चुका है 3:30 के लगभग टाइम हो गया है। तो वैसे भी अपना जो रुकने का टाइम होता है वो 4-4:30 ऐसा ही रहता है। बस चलो थोड़ा और चलते हैं फिर देखते हैं रुकने का, आज कीड़े बहुत हैं यार। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ, ये कौन सा गांव है, मेनाल पहुंच चुका हूँ, और अब यहाँ से कोटा 86 किलोमीटर रह गया लगभग। तो कल कवर किया जाएगा कोटा को, और आज मैंने सोचा तो था कि जानदा नहीं होगा खबर, क्योंकि 12 बजे तो निकला ही था, बहुत कीड़े हैं यार, लेकिन चलो हो गया है। आज 90 किलोमीटर के लगभग साइकिल चल चुकी है। तो अभी तो जा रहे हैं रोड पे, मैं चौराहे से थोड़ा सा अंदर हूँ, हनुमान जी का मंदिर है वहीं पर आज स्टे रहेगा। वहाँ कोई पुजारी वगैरह रहते नहीं है, लेकिन एक वहाँ बगल से एक सराय है धर्मशाला, उसमें भी बहरहाल कोई रहता नहीं है, लेकिन चारों साइड से जाली है, फेंक है, तो अपना लॉक लगा के आराम से टेंट लगा के मस्त सोएंगे। तो अभी जा रहे हैं मैगी लेने के लिए, बनाएंगे मैगी आज। तो अभी मैगी ले ली है, और समोसा खाने का मन था तो एक समोसा पैक करवा लिया है। चलते हैं, वो सामने मंदिर दिख रहा है, वो जो आपको भगवा कलर में दिख रहा है ना, वो ही है सामने मंदिर। तो चलो चलते हैं वहाँ पे और बनाते हैं मैगी, लगाते हैं अपना टेंट। तो ये है मंदिर, कीजिए बाबा बजरंगी के दर्शन। यहाँ पर कुछ स्मारक है, कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या है, चलते हैं देखते हैं। लिखा हुआ तो है यहाँ पर कि महानाल मंदिर एवं मठ।
तो यहाँ पर एक मंदिर है कुछ इस टाइप से, पुराना सा मंदिर है कोई। यहाँ पर मंदिर का सारा इतिहास लिखा हुआ है। भोलेनाथ ये सपोर्ट क्यों लगाया, गिर रही थी क्या है? ये सारे मुगलों के टाइम के टूटे हुए पड़े हैं सारे पत्थर। अगर यार भारत में आक्रांता ना आते तो भारत का इतिहास ही कुछ अलग होता यार, क्या किया जाए। टाइम को कोई बदल नहीं सकता यार, ना ही कोई पास्ट को, ना कोई फ्यूचर को, ना ही कोई प्रेजेंट को, कोई नहीं बदल सकता है। जो हो गया तो हो गया, क्या किया जा सकता है। यहाँ पर वाटरफॉल है, बरसात के टाइम पे यहाँ पानी रहता है। देखो यार प्रकृति के नज़ारे, यार क्या नज़ारे हैं। एक वो है सामने मंदिर, चलो चलते हैं, गेट बंद होने वाला है। तो अपना टेंट तो लग चुका है और ये है कुछ सराय के नज़ारे जिसके अंदर आज स्टे रहेगा, और ये है बगल से मंदिर। तो बस चलो अब बनाते हैं मैगी। तो अभी मैं हूँ टेंट के अंदर और आज की अपनी राइड को कंप्लीट करके बस सोने के लिए रेडी हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।